वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट सिक्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एसएससी रिक्रूटमेंट के बारे में, चूंकि आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर को आने वाली है एसएससी की सीजीएल की 2022 की नई वैकेंसी। ये 2022-23 की जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, इस बार डबल, जी हाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि डबल रिक्रूटमेंट आ सकता है, करीब 8,000 से 10,000 की वैकेंसी का अपडेट आ सकता है। जैसा कि अपडेट आप लोगों को दिया गया था कि इसके लिए 70,000 वैकेंसी सीजीएल में आने वाली है। मैं अपने आप से ये सारी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा होगा, मैं आपको फिर से दिखला देता हूँ वो नोटिफिकेशन जहाँ पे 70,000 वैकेंसी की बात की गई थी। ये देख सकते हैं, ये आप जो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पे ये नोटिस दिया गया था एसएससी के द्वारा, द कमीशन इन इट्स कंटिन्यू एफर्ट एंड द एक्सपेडिट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी टेकिंग अप टू द प्रोसेस फिलिंग अप द 70,000 एडिशनल वैकेंसीज। नोटिस दैट, यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा, देखिए 70,000 वैकेंसी अपडेट होकर आने वाली है, 70,000 एडिशनल वैकेंसी। और आपको बताया कि नोटिस जो दिया जा रहा है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन को लेकर दिया जा रहा है, विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ड्यू टू कोर्स एंड द कैंडिडेट आर द एडवाइज टू द विजिट द वेबसाइट रेगुलरली। तो अभी आपको मैं फिर से वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ यहाँ पे एसएससी सीजीएल के, और यहाँ से हमने डाउनलोड किया है दोस्तों, जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट का अपडेट जो कि इसके एग्जाम कैलेंडर को लेकर दिया गया है। आज कौन सी तारीख है, तो आज है यहाँ पे सर 10 सितंबर, याद रखिएगा 10 सितंबर। और यहाँ पे अपडेट जो दिया गया था 10 सितंबर को लेकर कौन सा रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो है कॉमन ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल 2022 की वैकेंसी है, जिसके लिए 10 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन है आज अगर शाम तक आ जाता है तो वेल गुड है, मैं इसके बारे में एक ऑफिशियल वीडियो जरूर बना के बताऊंगा कि कुल कितनी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि कौन कौन से वो पोस्ट हैं जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट ज़्यादा आने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो ऑडिटर का इसमें पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, एक ऑडिटर का पोस्ट है। ऑडिटर के पोस्ट के लिए लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1,088 पोस्ट तो यहीं पर है, 1,088 पोस्ट यहीं पर है। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ऑडिटर में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 443 पोस्ट होने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 293 पोस्ट होने वाली है। एससी की बात कर ले यहाँ पे तो 163 पोस्ट होने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो यहाँ पे लगभग 108 पोस्ट होने वाली है। तो ये कुल मिला के जो है ना 1,088 पोस्ट होने वाले हैं ऑडिटर के लिए, जो कि लास्ट ईयर कितना था तो ये 522 पदों की वैकेंसी थी ऑडिटर में, है ना। तो इस बार डबल हो सकता है ये भर्ती यहाँ पे आपका, ओके। इसके अलावा और कौन सा पोस्ट है, तो अकाउंटेंट का पोस्ट है। अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं अकाउंटेंट में, है ना, अकाउंटेंट की आप लिख लीजिएगा ये सब और मिलाइएगा, हो सकता है कि डबल रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, है ना। तो ये जो है 10,000 से ऊपर की वैकेंसी इस बार आने वाली है, इस बात ध्यान रखिएगा दिमाग में, है ना। और ये टोटल वैकेंसी अकाउंटेंट में 720 हो सकती है मित्रों, है ना, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 294 सीट यहाँ पे रिजर्व रहेगा। और यहाँ पे 194 जो है अगर हम बात कर ले ओबीसी कैटेगरी की तो 194 होगा। और वहीं पे एससी एसटी की बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो एससी की जो बात करें तो 107 होगा एससी में, एससी में 107 होगा। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 71 पोस्ट होगा यहाँ पे। एसटी की बात कर ले तो 54 पदों की टोटल वैकेंसी होगी। कुल मिला के यहाँ पे 720 पदों की वैकेंसी होने वाली है। पिछले साल कितनी वैकेंसी थी, तो ये 325 वैकेंसी थी। तो ये हो सकता है कि डबल वैकेंसी होकर इस बार आए, ठीक है। और कौन से पोस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। एक पोस्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, एक नया पोस्ट है, ये जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट है। क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर, और ये गुजरात की वैकेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात कैडर के लिए निकाली जा रही है। अब यहाँ पे छात्र पूछेंगे कि इसके लिए कितना रिक्रूटमेंट है भाई, तो इसके लिए टोटल रिक्रूटमेंट की बात करें तो जैसे कि यूआर कैटेगरी में 92 है, एससी कैटेगरी में 1 है, एसटी में 19 है, ओबीसी में 13 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है। तो इस तरह से कुल टोटल वैकेंसी जो मिला के देखा जाएगा दोस्तों यहाँ पे लगभग 150 से भी ज़्यादा ये वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है। और यहाँ पे एक और पोस्ट है दोस्तों इंस्पेक्टर की, है ना, इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर के लिए जो है पोस्ट यहाँ पे कुल वैकेंसी निकाली गई है 203
इस बार हो सकती है। तो ये इंस्पेक्टर एक्साइज में भी हो सकते हैं, इनकम टैक्स में भी हो सकते हैं, आपके जो और भी जैसे कि सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं वो लोग भी हो सकते हैं। तो इन सभी में, इन सभी वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पे दिया गया है मित्रों। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इन सभी पदों को लेकर कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आज देखिए 10 सितंबर है और हो सकता है कि ये शाम तक दे दे नोटिफिकेशन या फिर अभी थोड़ी देर में दे दे यहाँ पे नोटिफिकेशन। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसका एक ऑफिशियल अपडेट मैं बना के आपको ज़रूर दूंगा। आज 10 सितंबर है, आपके लिए बड़ी खबर आ सकती है, करीब 10,000 से भी ऊपर ये वैकेंसी आने की संभावना है ना, 10,000 से भी ऊपर ये वैकेंसी टोटल आ जाएगी और आप लोग इसको आवेदन करेंगे, इसकी तैयारी में लगेंगे। अब मैं एक चीज़ और दिखला देना चाहता हूँ यहाँ पे। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं आपको यहाँ पे कि ये जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल लेने वाली है, यानी कि एसएससी एग्ज़ाम जो है इसको कंडक्ट करने वाली है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये नोटिफिकेशन देखिए आज भी आ सकता है और कल भी हो सकता है कि आ जाए। और ये नेशनल लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है यहाँ पे। ग्रेजुएट छात्र आवेदन करते हैं यहाँ पे, जो भी छात्र किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हैं। और ये एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है और ये आपका सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपकी परीक्षा ली जाती है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं मित्रों यहाँ पे, तो याद ध्यान रखिएगा ये जो है आपका सीबीटी टेस्ट तो होगा ही, लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं इसमें, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है यहाँ पे, जहाँ पे चार फेज में आपको ये परीक्षा देनी होती है, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थर्ड और टीयर फोर। टीयर वन प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसका क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं जुड़ा जाता है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। टीयर टू होता है मेंस एग्जाम इसका, जहाँ पे आपको पेपर जो है देना पड़ता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है यहाँ पे, लेकिन इसमें मेन पेपर होता है दोस्तों मैथ और इंग्लिश का, जहाँ से आपको स्कोर अच्छा करना पड़ता है। टीयर थर्ड में आपको ऐसे राइटिंग वगैरह होता है और टीयर फोर में आपका इंटरव्यू सेक्शन होता है। तो कुल चार फेज में इस परीक्षा को आपको यहाँ पे पार करना होता है और ये उसकी टाइमिंग शेड्यूल दी गई है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, चूंकि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है तो ऑल ओवर इंडिया इसका एग्जाम भी लिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये एग्ज़ाम जो है आपका अगर आज के नोटिफिकेशन अपडेट कर दी जाती है 10 या 11 सितंबर को, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका जो लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का 1 अक्टूबर तक दिया जाएगा आपको। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इसका प्रीलिम्स टेस्ट होगा, यानी कि जो सीबीटी 1 होगा, ये दिसंबर महीने में संभवतः होगा इसका एग्ज़ाम। चूँकि ये जो अपडेट है ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने अभी आपको दिखाया है जहाँ पे कि 10 सितंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर में इसका सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा, यानी कि टीयर वन का एग्जाम होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि टीयर टू और टीयर थर्ड के बारे में अभी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन ये 2022-23 की सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है और जो कि आपको अपडेट किया जा रहा है। और आज थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये वैकेंसी आज आने वाली है आप लोग की। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये ईयर वाइज जो है वैकेंसी अपडेट जो की जाती है यहाँ पे कितना अपडेट हो सकता है इस साल आप लोग का। देखिए सीजीएल अगर हम 17-18 की बात कर लेते हैं तो ये 8,121 पदों की टोटल वैकेंसी आई हुई थी। वहीं यहाँ पे 2018-19 का जो वैकेंसी था 11,000 का वैकेंसी था। 19-20 का जो वैकेंसी था ये 8,500 की वैकेंसी थी। वहीं 21-20-21 का जो वैकेंसी था ये 7,035 की वैकेंसी थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी अपडेट की जाएगी ये इससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो एक आंकड़ा लिखा गया है और इस आंकड़े के अनुसार मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है 7,686, ये बढ़कर हो सकता है यहाँ पे करीब 12,000 या 11,000 के आसपास ये वैकेंसी, 10,000 से तो ऊपर होगी ये मान के चलिएगा, लगभग दुगनी ये वैकेंसी होने वाली है। क्योंकि इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले ही अपडेट कर दिया गया था कि आप लोग का ये जो रिक्रूटमेंट है ये 70,000 पदों की वैकेंसी का टोटल अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा। फॉर्म को भरने का यहाँ पे फीस शुल्क आपसे लिया जाएगा, जो जनरल ओबीसी के छात्र हैं 100 रुपये चार्ज किया जाएगा, बाकी एससी वाले छात्रों से यहाँ पे फ्री में फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म जैसे ही आएगा हम आपको इसका फॉर्म भर के भी बताएंगे। वैसे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, पहले स्टेप्स में आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाके खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहाँ पे एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप लॉगिन करते हैं, फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल का टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे एसएससी का एप्लीकेशन ओपन होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फिर उसको आप फिलअप करते हैं, फिर आपका स्क्रूटनी किया जाता है, आपके फॉर्म को देखा जाता है कि आपने 2 बार तो नहीं फॉर्म भर दिया या 3 बार तो नहीं फॉर्म भर दिया, अगर ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है वहाँ से। अपलोड योर फोटोग्राफ अगला स्टेप होता है यहाँ पे, और ये 7th स्टेप, और ये 8वां स्टेप होता है एप्लीकेशन को पे करना, यानी कि फॉर्म के लिए पेमेंट यहाँ पे लिया जाता है, 100 रुपये फीस चार्ज जाता है इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि सरकारी नौकरी है
तो सरकारी तौर पे इसका बस नाम मात्र का 100 रुपये चार्ज लिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको बता दिया है मैंने कि सिर्फ ग्रेजुएट छात्र ही इसको आवेदन कर सकते हैं, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी भी डिसिप्लिन में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं ऑडिट ऑफिसर की, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इसके लिए यहाँ पे डिग्री मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास सीए या सीएस या एमबीए की डिग्री है, या मैनेजमेंट अकाउंट की डिग्री है, या मास्टर इन कॉमर्स की डिग्री है, या फिर मास्टर इन बिजनेस स्टडी की डिग्री है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल नहीं है, ये मतलब जरूरी नहीं है, बट ये होना चाहिए आपके पास। अगर है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ से मिलेगा। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड जो 2 के लिए पोस्ट है, इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। और यहाँ पे बोला गया कि 60% आपका मैथमेटिक्स में क्लास 12th में होना जरूरी है। मैथमेटिक्स को लेकर बैचलर डिग्री है आपके पास विद द स्टैटिक्स, या फिर आप सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स को लेकर कोई रखे हैं, तो आपको यहां से प्रेफरेंस मिलेगा। ये आपका डिजायरेबल है। दोस्तों यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं कंपाइलर पोस्ट को लेकर, जितने भी कंपाइलर तरह के पोस्ट होते हैं उसमें इकोनॉमिक या फिर स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में आपका डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अदर जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए आपका, ठीक है, बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वैसे सभी छात्र आवेदन करते हैं, ये कुछ जनरल पोस्ट है जिसके लिए अलग से क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब एज लिमिट को लेकर हम बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि सीएसएस के लिए 20 से 30 साल, यानी कि जो पहला पोस्ट मैंने दिखाया आपको है ना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाते हैं तो 30 साल तक एज क्राइटेरिया है, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए तहत ही आता है। ये डायरेक्टरेट और इन्फोर्समेंट्स है ना डिपार्टमेंट की ऑफ रेवेन्यू की बात कर ले तो 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर का ये वैकेंसी होता है दोस्तों। यहाँ पे स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर ले तो 32 साल तक का एज क्राइटेरिया इस विभाग में जाता है, जहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। एनआईए की विभाग की बात करें तो 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, जहाँ पे सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होती है पोस्ट। और सीबीआई में जाते हैं आप डिपार्टमेंट में तो 20 से 30 साल तक का एज लिमिट होता है, यहाँ भी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया जाता है। नार्कोटिक्स विभाग में जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है, और सब इंस्पेक्टर की ये रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे। सीबीएसई जो है आपका ये जो विभाग है, इसमें 20 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है, और टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आवेदन होता है, जो छात्र आवेदन करते हैं ये पोस्ट होता है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है 18 से लेकर 30 साल तक का है, और ये इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए यहाँ पे लोग छात्र आवेदन करते हैं। और जितना भी अदर पोस्ट है यहाँ पे 18 से 30 साल तक का उसका भी एज क्राइटेरिया है, और वो जाते हैं असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो कि मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। 18 से 27 साल तक का डिपार्टमेंटल यहाँ पे जो कि अदर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया है, ऑल अदर पोस्ट को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो भी आपको यहाँ पे समझा दिया है कि टीयर वन आपका यानी कि ओएमआर मतलब सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा, यानी कि सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होगा। टीयर टू भी आपका सेम होगा, और टीयर थर्ड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि पेन पेपर से आपको मोड पे देना होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको ऐसे लिखना होता है। टीयर फोर में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, या फिर इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं तो, और ये कहीं भी आपको बुलाया जा सकता है। तो ये सारा अपडेट है दोस्तों जो कि यहाँ से दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस को लेकर, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सिलेबस है इसका जो पेपर वन का, ये जनरल नॉलेज और क्वांट और जनरल रीजनिंग और आपका इंग्लिश कंप्रहेंसन को लेकर है। तो ये सिलेबस मेंशन किया गया है पीटी सीबीटी वन को लेकर, और इसके लिए जो छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे ये इन सभी पेपर में इसका एग्जाम देंगे। यहाँ से देख लीजिएगा, जनरल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, सिलोजिज्म और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट होता है। जीके की बात करें तो करेंट अफेयर, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स। क्वांट की बात करें तो परसेंटेज, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। इंग्लिश की बात कर ले कॉम्प्रिहेंशन में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब और यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के बारे में यहाँ टेस्ट होता है। फिर अगर हम बात कर ले तो इंग्लिश की ही अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम देखे जा सकते हैं। मैथ की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे जीके जीएस की बात करें तो एंटरटेनमेंट से भी सवाल होते हैं। फिर यहाँ पे देखें तो डबल लाइनअप रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, शेड्यूलिंग वाले सवाल होते हैं, इनपुट आउटपुट के सवाल होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के सवाल होते हैं। और यहाँ पे आप जीके से देखें तो इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित होते हैं, या मैथ में देखें तो इंटरेस्ट
प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपको देखने को पीटी में क्वेश्चन मिल सकता है इन सभी टॉपिक से। इंग्लिश की बात करें तो एक्टिव पैसिव और पैराजंबल और फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है इन सभी टॉपिक को। यहाँ पे ये सारे सिलेबस मेंशन किया गया है जो कि मैं आपको दिखला रहा हूँ, एक झलक इसको जरूर देखिएगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड द ऑर्डर रैंकिंग, द डेटा सफिशियंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग इंक्लूड इनइक्वालिटीज को लेकर ये आपका जो है अपडेट रीजनिंग में होता है। वहीं पे स्टैटिक जीके भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित सवाल होते हैं। और यहाँ पे पोर्टफोलियो, पर्सन इन न्यूज़ और इंपॉर्टेंट स्कीम, ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। और मैथमेटिक्स में भी आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, डेटा इनसफिशियंसी, टाइम एंड वर्क, है ना। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा, एरर करेक्शन देखने को मिलेगा, ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपको पीटी एग्जाम में पढ़ने को पड़ता है और एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल बता दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये 10 सितंबर यहाँ पर डेट दिया गया है, आज आपका इसका नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर हो सकता है कि कल इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाए। और ये 1 अक्टूबर तक जो है आपका यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा आपके डाउनलोड करने फॉर्म भरने को लेकर, है ना, फॉर्म को भरने का। और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम डेट होगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों 10 सितंबर की डेट में। और 15 सितंबर को एक और नई वैकेंसी आएगी जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी होगी, जो कि इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।